मैदान से कैसे भी बाहर निकालने के, लेकिन वैशाली समझदारी से तकनीकी के साथ बहुत बहुत अच्छा हमला उनके ऊपर किया, लेकिन फाउल हो गया और उस फाउल को नहीं बचा पाए और उसी के साथ एक जीवन दान मिल गया वैशाली को। वैशाली फिर एक बार मैदान में और वहाँ एक और बहुत शानदार रन इस समय कर्नाटक की झोली में, कर्नाटक की ओर से बहुत शानदार गोल मारा था। अंबिका ने अपील की लेकिन अंपायर ने उसको स्वीकार नहीं किया और इस तरीके से अब अंतिम पहली तीन खिलाड़ियों की अंतिम खिलाड़ी सुप्रिया जिसका पीछा कर रही हैं कर्नाटक की ओर से जानी मानी खिलाड़ी चेतना, चेतना ने आगे खो बढ़ाई वीना को, वीना ने बहुत समझदारी के साथ आगे खो दी थी और वो घेर कर उसको लाई पोल के ऊपर जहां पोल मारने की कोशिश की, एक बार फिर अपील की और उस अपील के साथ आउट। इस तरीके से कर्नाटक तीन अंक अर्जित कर चुका है महाराष्ट्र के मुकाबले, जबकि महाराष्ट्र ने भी अपने पहले टर्न में तीन ही अंक अर्जित किए थे। इस तरीके से देखा जाए तो कर्नाटक की टीम बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए और मैदान पर लगभग 9-10 हजार दर्शक खेल का आनंद लेते हुए 29वीं राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का ये मैच सदैव याद रखने योग्य, बहुत ही शानदार तकनीकी का प्रदर्शन दोनों टीमों की ओर से। इस समय सुप्रिया महाराष्ट्र की अच्छी जानी मानी खिलाड़ी जिसने के एक जूनियर नेशनल और एक बार स्कूल नेशनल और एक बार आउट हो गई। इसी के साथ प्रतिभा गायकवाड़ आउट और इसी के साथ एक और अंक मिला कर्नाटक को जिनका स्कोर हुआ 4। कर्नाटक इस अभी तक 4 अंक अर्जित कर चुका है। गायकवाड़ का बहुत एक अच्छा अंक निकालकर रूपाली का पीछा करते हुए कर्नाटक की खिलाड़ी, लेकिन रूपाली जहां आगे बढ़ी वहां दीपा उसके क्लैश में आना चाहती थी, लेकिन आप दीपा का पीछा किया जा रहा। दीपा लेन से काटती हुई सेंटर लाइन के दूसरी ओर बहुत अच्छी एफर्ट की अंबिका ने और उसी के साथ उन्होंने एक और शानदार अंक लिया जिसके साथ कर्नाटक का स्कोर हुआ 5 महाराष्ट्र के मुकाबले जिनका स्कोर था 3। कर्नाटक की ओर से पीछा किया जा रहा रूपाली का जो कि दूसरे बैच की अंतिम खिलाड़ी है। रूपाली थैंक यू गौतम, इट वॉज पार्ट ऑफ द चेस बाय कर्नाटका बट ग्रेजुअली रिकवरिंग इट, वेल सेटल्ड, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अटैक, दे आर सक्सेसफुल इन गेटिंग 5 आउट्स ऑफ महाराष्ट्र एज अगेंस्ट द 3 एंड स्टिल अ मिनट ऑफ गेम इज लेफ्ट, द लास्ट मिनट द अटैक इज ऑन रूपाली, वेरी गुड बाय बाय राजलक्ष्मी, विद दैट रूपाली इज आउट, कर्नाटका इज इन वेरी कंफर्टेबल पोजिशन हैविंग चेस 6 डॉटेड, द लास्ट 3 डिफेंडर्स ऑफ महाराष्ट्र आर नाउ देयर, द अटैक इज नाउ ऑन विशाखा नंबर 9 ऑफ महाराष्ट्र प्लेइंग ए सिंगल चैन गेम एंड फॉर द पास्ट 2 इयर्स दिस गेम्स ड्यूरेशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 7 मिनट्स टू 9 मिनट्स फॉर ईच थर्ड, विद दैट great chance of winning the championship after establishing a lead, provided they maintain the lead and defend themselves well during this time. Once again,
Chetna, Veena and Shobha. This time, again the attack is on Shobha. Perhaps Maharashtra girls who succeeded in getting Shobha out early, let them chase her now. It may not be so this time. There was an infringement. Having receded near the rectangle. Trying to take Chetna as a byproduct. Simply diverting the attack. But Chetna was very much alert. Made no mistakes. Lightning now shifted to Veena to play 3 minutes. Innings. Now Veena defending us against Maharashtra's attack, playing the double chain system across the center line. Very confidently playing and keeping herself away from the chaser always. Making no mistake, moves back to Chetna, trying to intercept, divert the attention of the chaser, no damage done. But there is an infringement, stepping on the central line. Although the attacker chased the... Vijay, I would like to point out at this juncture that we are noticing the Karnataka Dodgers at the same place. Probably this sort of confusion was led to the catching out of Shobha last time. What they are trying to do this time is Chetna, perhaps you saw Chetna intercepting. It was intentional, trying to divert the attention so that the other runner gets some rest so that she could settle down. But then when the Maharashtra is going for quick outs at this juncture, that sort of rather than trying to confuse the chaser, it would be better rather fierce. Yeah, that is true. The confusion can only take place when you tempt the chaser to come towards you. So that you don't go near that. Probably the chaser will not attend. So the temptation was given by chaser. Perhaps when you tempt, one should be very confident. Almost 3 minutes and 45 seconds of the game is over. Now trying to start a game by going to the ring game, which is not good. I mean, there the first out. Second game comes to Maharashtra by Rupali Veena. Now out after this line, very quick start. She has played for 3 minutes, 10 seconds. Just chased by Rupali, and Rupali gets the first point in the second innings. Now, I request Gautam to continue the commentary in Hindi. 3 minutes, 10 seconds khelne ke pashchat, Veena ne bahut acche pradarshan ke saath apne team ke liye samay ko vyatit kiya. 4 minute ka samay beet chuka hai aur Maharashtra abhi keval apne dusre turn mein ek ank paane mein सफल हो चुका है. महाराष्ट्र का स्कोर कुल अभी तक हुआ है 4, जबकि कर्नाटका पहले ही 6 अंक अर्जित कर चुका है. कर्नाटक की चेतना बहुत सुलझा हुआ खेल खेलती है. वो बिल्कुल अपने को न्यूट्रल जोन में जाने से बचाती है, क्योंकि न्यूट्रल जोन में जाने पर चेजर स्वतंत्र हो जाता है, वो किधर भी घूमकर रनर को छू सकता है. लेकिन चेतना पोल के ऊपर से किस फुर्ती के साथ घूमकर वापस आई, और शोभा बीच में आई और शोभा ने फिर कोशिश की उसी तरीके से अपने तकनीकी को प्रदर्शित करने की. महाराष्ट्र पहले टर्न में 3 अंक बनाए, दूसरे टर्न में अभी तक वो केवल 2 अंक बनाने में सफल हुआ है, जबकि
पांच मिनट का समय बीत चुका है, बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन कप्तान वीना ने किया, जो कि पहले खेल टर्न में 3 मिनट खेली, दूसरे में 3 मिनट 10 सेकंड खेली और इसी के साथ महाराष्ट्र का एक और अंक, महाराष्ट्र 6 कर्नाटक 6, जबकि कर्नाटक की ओर से दूसरा बैच इस समय 3 खिलाड़ियों का, जिनमें शांतिमा इस समय 7 नंबर के बनियान पहने हुए हैं मैदान में, और बिल्कुल जिनका पीछा किया जा रहा है अंबिका, जो कि बहुत ही चुस्त और फुर्तीली खिलाड़ी हैं, मीनाक्षी। 6 मिनट का समय समाप्त हो चुका है, महाराष्ट्र अभी तक केवल 3 अंक अर्जित कर चुका है। महाराष्ट्र के खिलाड़ी बहुत फुर्ती के साथ बिना कोई समय नष्ट किए हुए बहुत अच्छा पोल मारने की कोशिश की थी, लेकिन अपने को बचा गई मीनाक्षी और इसी तरीके से वो भागती हुई दूसरे पोल की ओर, जहां उन्हें उनको छकाने का महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को एक और अवसर मिला। हालांकि महाराष्ट्र के खिलाड़ी में बहुत ही सुलझे हुए कई जूनियर नेशनल, स्कूल नेशनल और सीनियर नेशनल खेले हुए खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनमें वैशाली, वृषिजाली, शालिनी, लेकिन इस समय कर्नाटक की टीम अपने बढ़त को आगे बढ़ाए हुए, और बहुत अच्छा हमला हुआ था अंबिका के ऊपर, लेकिन अंबिका अपने को बचाने में सफल हुई। मीनाक्षी और अंबिका इस समय 2 निशाने बनाए हैं महाराष्ट्र ने, बड़ी फुर्ती के साथ बहुत अच्छा पोल मारने की कोशिश की थी वीना वरुण ने, जो कि पोल मारने में बहुत ही अच्छी खिलाड़ी मानी जाती हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और फिर मीनाक्षी एक पोल से दूसरी पोल की ओर बढ़ती हुई, जबकि खेल का संचालन करने वाले अंपायर शरीफ बड़ी मुस्तैदी के साथ संचालन करते हुए न्यूट्रल जोन की ओर मीनाक्षी गई, लेकिन चूंकि दिशा परिवर्तन होता था और महाराष्ट्र के इसका कोई लाभ नहीं उठा सके, फिर मीनाक्षी का एक बार पीछा करते हुए पोल के ऊपर से चक्कर लिया। 8 मिनट का समय और इसी के साथ मीनाक्षी बाहर, एक और अंक गया महाराष्ट्र की झोली में, जिसका स्कोर हो गया 7 कर्नाटक के मुकाबले, जिनका पहले टर्न का स्कोर है 6। और इस समय महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने बिल्कुल पूरी ताकत और सावधानी के साथ अंबिका को अपना निशाना बनाया था, लेकिन अंबिका को छोड़कर वो फिर शांतमा के पीछे, और शांतमा भी बहुत सुलझी हुई खिलाड़ी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय स्कूल्स खेलों में कर्नाटका का प्रतिनिधित्व किया है, बड़ी समझदारी का और सूझबूझ का खेल खेलती हैं। ये 9-9 मिनट के 4 टर्न जो होते हैं उनमें तीसरा टर्न इस समय, जिसमें महाराष्ट्र चेजिंग कर रहा है और कर्नाटक के दूसरे बैच के 3 खिलाड़ी बहुत अच्छी तकनीकी के साथ अपने को पीछे बढ़ाते हुए शानदार तरीके से बचाया, और इस तरीके से महाराष्ट्र now the start of the last third of chasing in this final for Karnataka, where Karnataka are in a comfortable position. They will have to chase one goal to equalize the score, and then to win they require only 2 points. The attack is now on Rupali, but still they are not fixing the target on anybody. They are trying to chase Rupali as the main target, but still trying to chase any one of them, because they are also feeling very comfortable, confident, moving very well in the cross line. Meenakshi, yeah. Here the J
game is now perhaps again bit slowed down. Maybe it is the strategy of the Karnataka girls to play the first minute slow and increase their attack in the next minute, whereas it is what they did in their first innings turn of chasing. Or it may be for taking time for them to settle down and settle their target. Now the attack is only on Rupali, an infringement, having not given the throw properly. So Rupali moving along, dragging the chaser along the sideline. Most of the court, Chetana makes the dive, but definitely no damage done. Rupali was very much away. An infringement for having changed the direction. No damage till the three Maharashtra defenders in the court. Completion of the second minute. She has played 2 minutes, 14 seconds till now. The Karnataka gets the desired point to equal the score now at this stage, at the time of 2 minutes, 30 seconds approximately. The next part of the commentary will be given to you by Shankar. Over to Shankar. Thank you, Vijay. So the Karnataka have done it. The equalizer, Rupali, the first to go. Rupali promoted in the second inning. She had come in the second three in the first inning. Now she has come in the first batch, and she dots for 2 minutes and 20 seconds, and she was touched out by Sudhamani. Now the Karnataka player smelling victory there, chasing number two, Vaishali. The end of the third minute. So 3 minutes and 20 seconds play gone, and it's Vaishali being chased by the Karnataka players. This time so a good amount of dodging there by Vaishali, but then there's a tremendous amount of job resting on her shoulders. She has to play the entire time available in this particular innings in order to be equalizer on Karnataka, but then at that full dive, no damage done. Vaishali is still there. This time, all. And number four, Supriya, trying for that catch out. So 4 minutes gone now, and Karnataka getting a bit frustrated, attempting every chance there. So because of this exuberance on the part of the Karnataka players, a bit of confusion there in the field, a lot of fouls being done there. This time a pass chase by number 8, Veena, who provided 2 catch-outs in the first innings, once again trying for the out. Once again, it's number 6, Saraswati now chasing. Good amount of dodging there by Vaishali, frustrating the Karnataka chasers. Vaishali has already played for more than 2 minutes, and the fifth minute of the game is, the second innings is almost over. So the 5 minutes is over, and Vaishali going strong but looking visibly tired, and it's just a matter of time how long she can continue. But this is the time when Karnataka chasers have to put pressure and chaser to catch out and get the victory point. But then Vaishali, the player not giving up so easily, and Karnataka looking for that point being missed each and every time. A pole dive attempt there by Sudhamani. No damage done for Maharashtra. And Vaishali, a tired looking Vaishali, one has to wait and see how long she plays. Nevertheless, wonderful job done by Vaishali for Maharashtra. But the point here is she has to play the entire period of the Maharashtra innings to save this match for Maharashtra. Please come in, Gautam. Thank you, Shankar.
कर्नाटक की पहली पद की चेजिंग को देखते हुए इस बार का खेल बहुत कुछ धीमा नजर आता है। 6 मिनट का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक केवल 1 अंक अर्जित करने में सफल हुई है कर्नाटक की टीम, जबकि इनको जीतने के लिए अभी 1 अंक अर्जित करना बहुत जरूरी है। वैशाली जो कि इस समय रनिंग में है, पूरी तरह से छका रही है कर्नाटक की टीम को, और पोल जिसका ऊपर से जाना जरूरी होता है, और बहुत अच्छा 1 पॉइंट लेने की कोशिश की थी, बहुत अच्छा सुधा ने 1 पॉइंट लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो डायरेक्शन पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकी और उसी से आउट होते होते बचे, और इसके साथ ही वैशाली मैदान के बाहर। एक और शानदार अंक मिला कर्नाटक को, जिससे कर्नाटक विजयी हो हुआ और कर्नाटक का स्कोर हुआ 8, जबकि महाराष्ट्र 7। कर्नाटक इस समय 1 अंक से आगे, केवल 7 मिनट का समय अभी समाप्त हुआ है, 2 मिनट का खेल अभी शेष है, और कर्नाटक के कप्तान ने डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो 1 अंक से विजयी हुए। इस प्रकार 29वीं राष्ट्रीय सीनियर खो खो प्रतियोगिता महिला विभाग की कर्नाटक विजयी हुई, दूसरा स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र ने और तीसरा स्थान किया मध्य प्रदेश ने।